मातृछाया चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा दो विक्षिप्त महिलाओं को ठीक होने पर जिलाधिकारी केवीएन पांडेन की देखरेख में उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। इसमें पहली महिला बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया बिहार की रहने वाली मालती देवी पत्नी रमेश शर्मा और दूसरी श्वेताबाई पत्नी रंजोली मुंबई निवासी को सुपुर्द किया गया। इस दौरान ट्रस्ट के द्वारा केक काटकर दोनों महिलाओं के विदाई समारोह मनाया गया और उनके ट्रस्ट की तरफ से एक गिफ्ट बैग दिया गया। इस संबंध में जिलाधिकारी के विजय पांडे ने बताया कि संस्था इस कोरोना महामारी में भी काम कर रही है, जिसका उदाहरण मात्र छाया है। फाउंडेशन के द्वारा दो मानसिक विक्षिप्त महिला बिहार और मुंबई को ठीक करके उनके परिजनों के साथ भेजा जा रहा है। किसी महिला को 2 साल तो किसी महिला को 5 साल हो गया, जो अपने घर से भागकर गोरखपुर आ गई थी। उनको यहां लाया गया जिनकी मानसिक स्थिति खराब थी। कई महीनों तक इलाज के बाद दोनों महिला ठीक हो गई। दोनों महिलाओं से उनका पता पूछकर उनके परिजनों को बुलाकर उनके सुपुर्द किया जा रहा है और उनके परिजन अपनी पत्नी और एक लड़का जिसकी माता जी हैं उन्हें पाकर बहुत ही खुश और भावुक हो गए। मातृछाया एक अच्छा कार्य कर रहा है, जिसमें प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए परिजन रंजोली रमेश शर्मा व जिलाधिकारी केवीएन पांड्यन ने कहा। टोटल कितने लोग हैं सर? अभी 19 है हमारे पास, 7 के साथ चलेंगे, लगभग 25 की संख्या जाएगी। कुछ लोग तो हम बाहर भी बाहर जैसे कुछ ऐसे भटकते हुए आ गए, पॉजिटिव होने करके थाने से या चौराहे से ऐसे 2-4 लोग हम भेजे, बाकी तक कैसे गए वो मिल ये बड़ा दिमाग को परिणाम होगा। उन्होंने कहा रहते हैं अंधेरी में वहाँ यार गैस कैसे है, वो कम है ऐसे बढ़ गए सर? बढ़ गया ना, कैसे आए आप? गाड़ी लेके आए सर। क्या करेंगे ये बिहार से? बिहार से। आपका कौन माता जी है? नहीं इनकी पत्नी है, ये लगभग 2-3 साल। कैसे यार टूट गई, कैसे आ गई? ना ये तो हमने माइक आई थी। अच्छा माइक कैसे नहीं करती? बाल बच्चे भी एक बच्चा भी था। अच्छा ऐसे ये है, पर आपको माँ है, साथ रखो भाई। जैसे बहुत एंकर पेशेंट थे, 24 घंटे छुट्टी नहीं थी, लगातार चिल्ला गला वाला एकदम खत्म हो गया। तो मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। हम तो अच्छा छोड़ दीजिएगा, 7 साल हो गए। 7 साल से गया कि 2-3 महीने बाद ये उधर थोड़ा सर्टिफिकेट पाने से होना है। इसमें फिर अचानक से हल्का सा ये लूप उसके गाँव का एक बता दी, तो वहाँ से पता चला कि सारे लोग छोड़ के बहुत पहले जाते, फिर वहाँ की मुखिया थोड़ा सा सेंसिटिव तो बहुत गुस्सा करती हैं। चलिए सब लोगों को बांट दीजिए। अरे उसको थोड़ा थोड़ा सा भीमराव रानूजी ढाले मराठवाड़ा परभणी जिले के हमारा गांव है। तो गांव से हम परिस्थिति बेकार थी, तभी 78 में हम बम्बई आए थे। बम्बई में आके फिर इतने साल बम्बई में रहे माँ के साथ में। माँ को थोड़ा अचानक थोड़ा ये हो गया दिमाग में, वो बिना बोले हमको घर से चली गई। फिर हम बहुत ढूंढा तो मिला नहीं। फिर बाद में हम आशाएँ छोड़ दी थी कि मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अभी 6-7 साल हो गया है। फिर पॉलिटिशियंस किससे हमको उसका ये भी रिपोर्ट भी मिल, मतलब 7 साल के बाद आदमी गुना के बारे में ये भाई साहब थे, उन्होंने उधर फ़ोन किया गांव में। गांव में फ़ोन करने के बाद हमको गांव से फ़ोन आया
आपकी ऐसा ऐसा आपकी माँ गोरखपुर में है तो आप आओ, तो फिर हम आने का बहुत प्रयास किया तभी तो लॉकडाउन के वजह से हम आ नहीं पाए इधर जल्दी, फिर भी अभी वो लॉकडाउन कैसे करके पुलिस स्टेशन से लेटर लेके हम यहाँ तक पहुँचे। 7 साल 2013 में गायब हो गई थी। एकदम आनंद लग रहा है हमको, अच्छा एकदम कि घर का आदमी मिल गया तो सुकून ही रहे। रमेश सर, लगभग 3 साल से पता थी, यहाँ हम लोग यहाँ प्रधान के तहत से मिला, यहाँ से फ़ोन उसके पास गया, वो हमको फ़ोन किए तब हम लोग आए हैं। पत्नी है, बिहार के रहने वाले, बेतिया जिला, बहुत अच्छा लग रहा है। दिमागी हालत थोड़ा इसके थी, मायके गई थी, मायके से न पता हो गई। हाँ देखिए, तो ये कोविड कार्यकाल में भी हम लोग काम करते रहते हैं, मातृ छाया संस्थान आप देख सकते हैं, तो हम लोग मिलके बहुत सारे मानसिक विकसित महिला का हम लोग सुधारा है। उसे एक उदाहरण, आज दो लोग हैं, एक बिहार से और एक मुंबई से, काफ़ी साल से कहीं घूम के भटक के गोरखपुर आए थे, तो 7 साल किसी को हो गया, किसी के 4-5 साल हो गया, मानसिक विकसित से पता नहीं है कहाँ का है। उन लोग का सारे पूर्ण रूप से सही करा के उनका परिवार साथ आज उन लोग का भेज रहे हैं, विदाई कर रहे हैं। एक अच्छा पहल है इन लोग लग के किए, तो मैं चाहता हूँ आपको यदि हमने सामने कहीं इसी टाइप का महिला मिलता है तो ज़रूर यहाँ आकर के आप करा लीजिए, हम उसको सही करा के अपने घर भी भिजवा देंगे और आप भी साथ दीजिए उसका। मातृ छाया हमेशा अच्छा काम करते हैं, आप देख रहे हैं, ताकि ये केवल पैसा से काम करने वाले चीज़ नहीं है, तब तक मन लग के ये आप काम नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ये ऐसे परिवार के रूप से आपको किसी को सही करा के मानसिक संतुलन है उसका सही कराना है, ये बहुत चुनौती काम है, बहुत जिम्मेदार काम है। मैं उनका हमेशा हृदय दिल से धन्यवाद देता हूँ, सहयोग करता हूँ और आगे भी वो कराएंगे, करते रहेंगे। परिवार लोग बहुत भावुक हुए थे, आप देखे होंगे तो 7 साल से किसी के माँ का ढूंढ ढूंढ करके आज मुंबई से एक परिवार आई थी, और किसी के माँ का और जो पत्नी का एक लड़का भी आया है यहाँ, वहाँ से तुमकुई से, यहाँ जो बिहार से, बहुत भावुक हुए थे। उन लोग को वापस भी भेजने के लिए हम लोग व्यवस्था करा रहे हैं, अपने साधन से आए हैं, पास इत्यादि हम लोग यहाँ से जारी करेंगे।